नमस्कार, जोहार एंड वेलकम टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, मैं आपका योगेश योगी सर आपका अपने क्लासरूम में स्वागत करता हूं। और आज बात होगी जेपीएससी से संबंधित मामले का, जो कि आज हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई और इसका नेक्स्ट डेट भी मुकर्रर कर दिया गया। क्या हुई आंशिक सुनवाई, इस बारे में बात करेंगे और किन किन अदालतों में यह मामला बना है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जो मामला बनी है, जो अभ्यर्थियों ने या जो प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो एप्लीकेशन दी है कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि उम्र सीमा को लेके जो विवाद है, उस विवाद के संबंध में ये बातें हैं, और यह बातें हैं उनके साथ अन्याय और न्याय की। तो इसमें दो पार्ट में केसेस हुए हैं और दोनों अलग अलग प्रार्थियों ने दो अलग अलग अदालतों में केस किए हैं। एक राजेश शंकर जी की अदालत में पेश हुई है और दूसरा केस संजय कुमार द्विवेदी जी के अदालत में पेश हुई है। मुख्य रूप से जेपीएससी के मामले अधिकतर संजय कुमार द्विवेदी जी के ही अदालत में पेश होती है, वही इनके एक्सपर्ट भी माने जाते हैं और उनके डिसीजन ही बहुत ज़्यादा मायने भी रखते हैं। और कई आप देखे होंगे, इसके पहले भी कई मामले बने हैं जो इन्हीं के अदालत में पेश किए जाते हैं। हमारा जेपीएससी के तरफ से जो अधिवक्ता है या एपीओ है, वो है संजय पिपरवाल जी। उनको साफ निर्देश दिया गया या उनसे बात हुई, जब बहस शुरू हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि अभी जैसा माहौल है उस माहौल में डायरेक्ट तो नहीं हो रही है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो बात हुई उसमें क्या आई बात उसे जानते हैं। प्रार्थी ने कहा कि जो जेपीएससी की कंबाइन वैकेंसी निकाली गई थी, वह कंबाइन वैकेंसी में जो कट ऑफ डेट है उसको लेके समस्या है, क्योंकि कट ऑफ डेट जो है 2016 कर दिया गया है और 2016 करने के कारण से कई अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में एलिजिबल नहीं हो रहे हैं और वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। चूँकि यह कंबाइंड जेपीएससी किया गया है, परंतु जब सातवीं जेपीएससी की जो वैकेंसी आई थी उसमें कट ऑफ डेट 2011 था, तो इस आधार पर अगर कट ऑफ डेट 2011 हो तो बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म भर सकेंगे और वे अपने परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, उनका मानना ये था। इसी प्रकार का एक केस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट में भी पहुंचा और वहां भी उम्र संबंधी विवाद को लेके ही केस हुआ था। तो कल दोनों ही मामलाओं पे नज़र थी हमारी और दोनों ही मामलाओं को लेके बातें हुई, मेरे कैंडिडेट से भी बातें हुई और जो है हमारे अधिवक्ता दोस्त उन लोगों से भी बातें हुई। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों ही ने, संजय कुमार द्विवेदी की जो अदालत है उसमें आंशिक रूप से सुनवाई हुई, इसमें आंशिक सुनवाई हुई और आंशिक सुनवाई होने के बाद यह कहा गया कि इस प्रकार के मामले और भी कोर्ट में चल रहे हैं तो सभी मामलों को एक साथ में देखा जाएगा, इसके लिए एक तिथि मुकर्रर की जाएगी और इसे जो इस बेंच से लार्जर बेंच में ट्रांसफ़र किया जाएगा। वहीं अगर राजेश शंकर जी की अदालत में देखेंगे तो वहां पर संजय पिपरवाल जी से सवाल किया गया कि ऐसा क्यों होता है कि मामले जब वैकेंसी आने के बाद मामले बनने लगते हैं और नेक्स्ट डेट जो है वह 15 मार्च की यहां पर दी गई है, जो कि आपका फॉर्म भरने की भी डेट है, 15 मार्च की डेट दी गई है और 15 मार्च को कहा गया है कि अभ्यर्थियों के सारे सवालों का जवाब आप शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को सूचित करें और शपथ पत्र के द्वारा उन्हें यह आश्वस्त कराए कि क्यों इसकी जो उम्र सीमा या कट ऑफ डेट जो है वह नहीं होनी चाहिए 2011। तो इसी बहस के दौरान जो जेपीएससी के अधिवक्ता हैं संजय पिपरवाल जी, उन्होंने कहा कि नई नियमावली के तहत जो उम्र संबंधी जो बातें हुई है वह नई नियमावली के तहत हुई है और नई नियमावली में यह ध्यान रखा गया है कि किसने उम्र को कट ऑफ डेट माना जाएगा। यह सरकार का निर्णय है और जेपीएससी का निर्णय है, इसलिए इसमें हम किसी प्रकार का संशोधन अभी ऐसी कोई पॉजिटिवनेस नहीं दिखाएंगे। संशोधन की जा सकती या नहीं जा सकती यह अदालत के फैसले पर निर्भर करेगी। अब देखना यह होगा कि 15 मार्च का जो डेट मुकर्रर की गई है उस डेट में संजय पिपरवाल जी क्या जवाब देते हैं और क्या शपथ पत्र दाखिल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मामला जो बना था वह मामला मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये लोग चाह रहे हैं कि 2011 हो कट ऑफ डेट, ताकि ये लोग आसानी से फॉर्म भर सके। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है और उनकी उम्र पार हो चुकी है,
इस मामले में भी उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि हमने फॉर्म भर दी है परंतु हमारी डेट पार हो गई है, तो हमारा क्या होगा ऐसे में, और 2011 में जो कटअप डेट होगा अगर उसमें होता है तो हजारों अभ्यर्थी और भी इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे जो JPSC की तैयारी में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो यह अभी जो निर्णय है या डिस्कस जो होगा वह 15 मार्च के बाद, 15 मार्च का जो डिसीजन होगा या जो भी आपका जो संजय पिपरवाल जी जो जवाब देंगे उस पर बहुत चीज़ निर्भर करती है। तो अभी मामला यह बना हुआ है कि JPSC में उम्र सीमा में संशोधन होने की संभावना है और होनी भी चाहिए। देखिए यहाँ पर मामला क्या है कि किसी भी जगह में जैसे कि BPSC में भी जब कंबाइंड की गई थी तो उन्होंने भी उम्र सीमा में वह छूट दी थी। तो इस प्रकार के अन्य PCS परीक्षाओं में भी इस प्रकार के मामले जब हुए जहाँ पर भी सेशन को सुधारने के लिए या एग्ज़ाम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जहाँ पर भी इस प्रकार की कंबाइंड परीक्षाएं हुई तो उम्र सीमा में संबंधित छूट मिली है। तो यही आधार है, प्रार्थियों का भी यही आधार है कि हमें भी उम्र सीमा संबंधी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि रेगुलर परीक्षा तो हुई नहीं। रेगुलर परीक्षा होती तो कोई दिक्कत नहीं था कि उनकी उम्र पार होगी। यहाँ तो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 5 साल में एक परीक्षा दी और नेक्स्ट परीक्षा के लिए वह एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। तो उनका भी कहना किसी भी एंगल से गलत नहीं है कि हम तो बिना परीक्षा दिए ही रिटायर हो रहे हैं। कई अखबारों में भी देखे होंगे उनके स्टेटमेंट, उनके बातें, न्यूज चैनल में भी देखे होंगे कि वे लोग चाह रहे हैं कि हम परीक्षा दे के रिटायर हों तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहाँ पर उनके साथ यह हो रहा है कि वे लोग बिना परीक्षा दिए ही रिटायर हो जा रहे हैं। तो झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं या जो भी जनरल कैंडिडेट हैं वे चाहते हैं कि यहाँ पर इसमें संशोधन हो, और संभावना बन रही है कि संशोधन होने की गुंजाइश अगर है तो संशोधन JPSC को करनी चाहिए। तो आज जो मामला था उस मामले के बारे में आपको बता दें कि 2 केसेस हुई हैं, वह है संजय कुमार द्विवेदी और राजेश शंकर जी के अदालत में पेश हुई है, और JPSC के अधिवक्ता जो है संजय पिपरवाल और प्रार्थी के अधिवक्ता के बीच में बातचीतें हो गई है और उन दोनों का मामला अदालत में आ चुकी है, संज्ञान लिया जा चुका है और सारे निर्भर करते हैं अब संजय पिपरवाल जी के जो शपथ पत्र है या जो उनके द्वारा दायर किया जाएगा। उस पर निर्भर करता है। तो कुल मिला के देखेंगे तो मुकेश कुमार जिन्होंने केस की थी, प्रार्थी मुकेश कुमार जी के अनुसार अगर अदालत की डिसीजन होती है या मुकेश कुमार जीत जाते हैं तो आपकी 2011 जो उम्र सीमा संबंधी जो विवाद है वह समाप्त हो जाएंगे और 2011 कटअप हो जाएंगे। तो आज का जो ये न्यूज है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, और आप सभी देखें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।